नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गौर सिटी टू नोएडा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि 80% फीमेल्स प्रेगनेंसी में गो थ्रू करती हैं, दैट इज मूड स्विंग्स इन प्रेगनेंसी। मूड को किस प्रकार हम प्रेगनेंसी में एलिवेट रख सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज एडिक्वेट रेस्ट। आप भरपूर मात्रा में रेस्ट कीजिए। एडिक्वेट रेस्ट इन प्रेगनेंसी में क्या मतलब है? मतलब 8 घंटे रात को सोना है और 2 घंटे दोपहर में सोना है। 8 आवर्स इन द नाइट अनइंटरप्टेड स्लीप। एक दो बारी उठना भी चाहे आपको यूरिन पास करने के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड 2 घंटे दोपहर में जरूर रेस्ट करना है। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी और आप में मूड स्विंग्स कम होंगे। सेकेंड इज आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज किसी भी वे में हो सकती है, जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको परमिट कर रहे हैं। इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी ब्रिस्क वॉक, या जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको परमिट कर रहे हैं वो आप एक्सरसाइज कीजिए। बिकॉज एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दोज आर गुड हॉर्मोन्स, वो भी मूड एलिवेट करने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इन लिस्ट इज हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए। जितना आपकी डाइट में विटामिन्स मिनरल्स ज्यादा रहेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन हेल्दी फैट्स लीजिए, जैसे कि नट्स। नट्स प्रेगनेंसी में जरूर खाने हैं, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ करती है तो सीड्स भी जरूर ले लें। तो जितना आपका डाइट हेल्दी रहेगा उतना ही आप में मूड स्विंग्स कम होंगे। जो क्रेविंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये आप कभी कभार थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा एंड ऑल लेते हैं तो उससे और ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। द नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये भी बहुत ही अच्छे हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में रिलीज होते करवाते हैं। तो आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स जरूर करवानी है। इन द सेंस आप ये मसाजेस भी ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। गुड ऑयल मसाज लेना भी माइंड को बहुत ही रिलैक्स रखता है, जिससे कि आपके मूड स्विंग्स कम होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पार्टनर से जरूर बात कीजिए। बात करने से भी मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं, बिकॉज आपका एक स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि मूड स्विंग्स इन प्रेगनेंसी को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन बी थ्रू एक्सरसाइज, रेस्ट, हेल्दी डाइट, रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। थैंक यू।